हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करियर पाथवे। हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। जैसा आप सबको पता है कि हमने एक सक्सेस सीरीज स्टार्ट की है IBPS, PO और क्लर्क के एग्जाम को टारगेट करने के लिए। और इस सक्सेस सीरीज में मैं कॉन्सेप्ट और शॉर्टकट दोनों आप लोगों के साथ डिस्कस कर रही हूँ। तो एक और इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए कि हमारे यहाँ पर ये फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो रहे हैं। IAS, HAS, अलाइड सर्विस, नायब तहसीलदार, बैंक, SSC, जो भी इंटरेस्टेड है कैंडिडेट वो हमें कॉल कर सकते हैं। और ये रहा हमारा कॉन्टेक्ट नंबर स्क्रीन पे। तो जैसा आप सब जानते हैं कि पिछली वीडियो में मैंने सिलॉजिज्म आप लोगों के साथ डिस्कस किया था, उसका हमने बिल्कुल बेसिक लेवल किया था। इस बार हम जो करने वाले हैं एडवांस लेवल के क्वेश्चन करने वाले हैं, जैसे आजकल एग्जाम में पूछ रहे हैं। तो देखिए, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ये कंक्लूजन और ये उसके ऑप्शंस। ऑल गोट्स आर लायंस, पहले हम गोट्स ले लेंगे, ये ऑल गोट्स, सारी की सारी गोट्स लायन है ऐसे। नेक्स्ट, नो लायन इज टाइगर, सम टाइगर आर हॉर्सेस, जो सम कुछ टाइगर्स है वो हॉर्स है ऐसे। तो अब कंक्लूजन वन, सम हॉर्सेस आर गोट्स, सम हॉर्सेस आर गोट्स। गोट और हॉर्स में कोई रिलेशन डिफाइंड नहीं है, तो ये बिल्कुल गलत। नो हॉर्स इज गोट। अब जैसे पहले ही कहा है कि दोनों के बीच में कोई रिलेशन डिफाइंड नहीं है, इसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन डेफिनेटली कोई भी पॉसिबिलिटी, कोई भी रिलेशन डिफाइंड नहीं है, मतलब ये भी गलत। तो आपको लग रहा होगा हम यहाँ करेंगे ऑप्शन डी, नाइदर वन नॉट टू फॉलोज। नहीं, यहाँ पे लगता है आइदर वन और टू, आइदर वन और टू कंक्लूजन फॉलोज। देखो, दो ही केसेस में आपका आइदर और लगता है। एक तो हो गया सम और नो, जैसे यहाँ लिखा है ऊपर सम है नीचे नो है, यहाँ हॉर्सेज गोट्स, यहाँ पर गोट। एक सम और नो में, एक ऑल और सम नॉट में। अब मैं आपको समझाती हूँ सम और नो में क्यों आइदर और लग रहा है। आइदर और का क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये है कि या तो वो फर्स्ट कंक्लूजन फॉलो कर रहा है या फिर सेकंड कंक्लूजन फॉलो कर रहा है, दोनों साथ में नहीं फॉलो कर रहे, इसका मतलब ही आइदर और होता है ना। जैसे हमने एक कॉइन टॉस किया, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, दोनों साथ में नहीं आएंगे, दोनों साथ में होने की पॉसिबिलिटी नहीं है। तो वैसे ही अगर मैं ये ड्रॉ करूं सम हॉर्सेस आर गोट्स, ये कंक्लूजन अगर मैं ड्रॉ कर रही हूँ, अगर ये पॉसिबिलिटी है सम हॉर्सेस आर गोट, तो ये क्या, ये मैं कह सकती हूँ कि नो हॉर्सेस गोट? नहीं, यहाँ से बिल्कुल नहीं कह सकते। इसका मतलब अगर ये फॉलो कर रहा होगा तो ये नहीं फॉलो कर रहा होगा। वैसे ही सेकंड केस में अगर मैं ये बनाऊ नो हॉर्सेस गोट, नो हॉर्सेस गोट, तो क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि सम हॉर्सेस आर गोट? हॉर्स और गोट में तो यहाँ क्लियरली दिया है कि कोई रिलेशन नहीं है। नो हॉर्सेस आर गोट, तो इसका मतलब ये है कि अगर ये फॉलो कर रहा होगा तो ये नहीं फॉलो करेगा, बट अगर ये फर्स्ट फॉलो कर रहा होगा तो सेकंड नहीं फॉलो करेगा। तो इसका आंसर ये है कि अगर फर्स्ट फॉलो कर रहा है तो सेकंड नहीं करेगा, अगर सेकंड कर रहा है तो फर्स्ट नहीं करेगा। तो आइदर वन और टू कंक्लूजन फॉलोज, तो आइदर और दो ही केस में लगेगा, एक सम और नो में, एक ऑल एंड सम नॉट में, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और एक बार इसको चेक भी कर लेते हैं। तो ऑप्शन सी, आइदर वन और कंक्लूजन टू फॉलोज, ये नेक्स्ट क्वेश्चन और ये इसके ऑप्शंस। ऑल लेटर्स आर एनवलप्स, तो ऑल लेटर्स, ये लेटर्स है, सारे के सारे लेटर्स एनवलप्ड। नो एनवलप इज अ पोस्ट ऑफिस, तो कोई भी एनवलप पोस्ट ऑफिस नहीं है, ये बेसिक है, ये मैं फर्स्ट वीडियो में आप लोगों को बता चुकी हूँ। नेक्स्ट, सम पोस्ट ऑफिसेस आर पोस्टमैन, कुछ पोस्ट ऑफिसेस पोस्टमैन है, ये हमारा डायग्राम बन गया है, जर्नल डायग्राम। अब फर्स्ट कंक्लूजन, सम पोस्टमैन आर लेटर, सम पोस्टमैन आर लेटर, यहाँ पर भी पोस्टमैन यहाँ पर है और लेटर यहाँ पर है, पोस्टमैन और लेटर में कोई भी रिलेशन डिफाइंड नहीं है, तो मैं इसे, ये बिल्कुल गलत हो गया। सेकेंड, नो पोस्टमैन इज लेटर, सिमिलरली अभी जब कोई रिलेशन डिफाइंड नहीं है तो मैं ये भी नहीं कह सकती कि नो पोस्टमैन इज लेटर, कुछ नहीं कह सकते हम इन दोनों का। तो ये नाइदर वन नॉर टू आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जैसे मैंने पहले कहा कि सम और नो दिया है, ऊपर भी पोस्टमैन पोस्टमैन लेटर्स लेटर, तो यहाँ लगेगा आइदर वन और टू फॉलोज।
आइदर वन और टू, सम और नो के केस में लगेगा। कब लगेगा? जब दोनों कंक्लूजन आपके गलत आ रहे हो और नीचे और ऊपर एलिमेंट्स जो है वो सेम होंगे, तो हमारा होगा आइदर वन और टू फॉलोअर्स। बाकी मैं एक्सप्लेनेशन आपको पहले दे चुकी हूं कि ऐसा क्यों होता है, एक बार इसको भी चेक कर लेंगे। ऑप्शन सी, आइदर कंक्लूजन वन और टू फॉलोअर्स, हमारा थर्ड क्वेश्चन। ऑप्शंस इसके, अ फ्यू ऑफ माय फ्रेंड्स आर टीचर, मतलब ये बोल सकते हो कि अगर ये माय फ्रेंड्स है, माय फ्रेंड्स, अ फ्यू ऑफ माय फ्रेंड्स, अ फ्यू का मतलब होता है सम, अ फ्यू मतलब सम, मोर देन 0 एंड लेस देन 100%, मोर देन 0, 0 और 100% के बीच में, अ फ्यू का मतलब सम, तो सम ऑफ माय फ्रेंड्स आर टीचर। अ फ्यू और ओनली अ फ्यू में डिफरेंस है, ये मैं आगे आपको समझाऊंगी। आजकल लेटेस्ट पैटर्न ये चल रहा है कि अ फ्यू और ओनली अ फ्यू वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अ फ्यू का मतलब होता है सम, और ओनली अ फ्यू का मतलब होता है केवल कुछ ही, बस थोड़े ही फ्रेंड्स टीचर है, तो यहाँ पर है सम, सम ऑफ माई फ्रेंड्स आर टीचर, तो ये टीचर्स आ गए। टीचर्स आर रूट, तो जो टीचर्स है वो रूट है, इसका मतलब सारे के सारे टीचर्स आ जाएंगे, सारे के सारे टीचर्स रूट है, रूट इसके बाहर से। नेक्स्ट, सम रूट्स पर्सन आर गुड एट हार्ट, सम रूट्स जो कुछ रूट्स है ये वो गुड हार्ट वाले हैं, गुड एट हार्ट यहाँ लिख देते हैं। फर्स्ट कंक्लूजन है, अ फ्यू ऑफ माई फ्रेंड्स आर गुड एट हार्ट, कुछ मेरे फ्रेंड्स गुड एट हार्ट है, अ फ्यू ऑफ माई फ्रेंड्स आर गुड एट हार्ट, तो यहाँ पर गुड एट हार्ट और माई फ्रेंड का कोई रिलेशन डिफाइंड नहीं है, तो ये बिल्कुल गलत है। कोई रिलेशन डिफाइंड नहीं है तो हम नहीं बता सकते कि है या नहीं है, पॉसिबिलिटी हो सकती है लेकिन डेफिनेटली हमें नहीं पता। तो सम रूट पर्सन में नॉट बी टीचर, सम रूट पर्सन, ये सम रूट पर्सन में नॉट बी टीचर, ये बिल्कुल गलत है। सम मे, अच्छा मे नॉट बी टीचर, मे नॉट बी का मतलब है पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी नहीं होने की पॉसिबिलिटी है, कुछ जो रूट पर्सन है उनके टीचर ना होने की पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल है। ये वाला पोर्शन खाली है और हो सकता है ये टीचर नहीं हो, पॉसिबिलिटी तो कुछ भी हो सकती है। इसका मतलब सेकंड जो हमारा कंक्लूजन है ये फॉलो कर रहा है, इसका आंसर आएगा बी, ओनली सेकंड कंक्लूजन फॉलोस। ऑप्शन बी, ओनली सेकंड कंक्लूजन फॉलोस, ये फोर्थ क्वेश्चन और ये उसके ऑप्शंस। ओनली टेबल्स आर चेयर, अच्छा अब आ गया ओनली का कॉन्सेप्ट, ओनली टेबल आर चेयर, कुछ नहीं करना है, आप ये समझ लो कि ओनली लिखा नहीं है, ये इसे ऐसे ही मिटा दो, और यहाँ लास्ट यहाँ पे लिखा है ऑल, और अब इसको लास्ट से पढ़ना स्टार्ट करो, ऑल चेयर्स आर टेबल, ये समझना है हमें। अब जो सारी की सारी चेयर्स है वो सारी की सारी चेयर्स टेबल है, इसका मतलब ये है कि जो ये चेयर्स है, चेयर का रिलेशन सिर्फ टेबल के उस टेबल से हो सकता है और किसी से नहीं हो सकता, ओनली टेबल्स आर चेयर, तो सिर्फ टेबल ही चेयर है और ये चेयर का रिलेशन और किसी के साथ नहीं हो सकता, सिर्फ टेबल से ही होगा। नेक्स्ट है सम टेबल्स आर डेस्क, सम टेबल्स आर डेस्क, ऐसे तो ऑप्शन वन है और कंक्लूजन वन है, ऑल चेयर्स आर डेस्क, ऑल चेयर्स आर डेस्क बिल्कुल गलत है, चेयर का रिलेशन अब टेबल के अलावा और किसी से नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे लिखा है ओनली। सेकंड, सम डेस्क आर टेबल, कुछ डेस्क टेबल है, हाँ ये बिल्कुल सही है, यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि डेस्क का कुछ पार्ट टेबल में आ रहा है, तो सम डेस्क आर टेबल, ये बिल्कुल सही होगा, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी, कंक्लूजन टू फॉलोज। ऑप्शन बी, ये हमारा फिफ्थ क्वेश्चन और ये रहे उसके ऑप्शंस। अब आ गया ओनली अ फ्यू, अ फ्यू और ओनली अ फ्यू में यही डिफरेंस है, अ फ्यू का मतलब सम, सम मैन, सम उसका मतलब ये होता है कि सम मैन आर वुमेन, अगर ये आपको दिया है कि ओनली अ फ्यू ए इज बी, इसका मतलब सिर्फ कुछ ही ए बी है, तो इसकी ये पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती कि सारे के सारे ए बी हो सकते हैं, ओनली अ फ्यू की,
जैसे ये लिखा है कि ओनली अ फ्यू टीचर्स आर डॉक्टर, इसका मतलब कुछ ही टीचर डॉक्टर है। अब अगर आपको बोला जाए कि ऑल टीचर्स कैन बी डॉक्टर इज अ पॉसिबिलिटी, तो ये पॉसिबिलिटी भी नहीं हो सकती, क्योंकि मुझे पहले दे दिया है कि कुछ ही टीचर्स डॉक्टर है। तो ओनली अ फ्यू जब आए, इसका मतलब सिर्फ कुछ ही टीचर्स होंगे जो डॉक्टर होंगे। तो ये टीचर्स अगर मैं ले रही हूँ यहाँ पे टीचर्स, और कुछ ही टीचर्स डॉक्टर है यहाँ पे डॉक्टर, 0% टीचर्स आर लॉयर। 0% का मतलब है नो टीचर्स आर लॉयर, तो 0% मतलब नो। तो टीचर और लॉयर में यहाँ कोई रिलेशन नहीं है। ऐसे हमारा डायग्राम बन गया। फर्स्ट कंक्लूजन है और लॉयर, ऑल लॉयर्स आर टीचर। ये तो पहले ही क्लियर दे रखा है कि लॉयर और टीचर में कोई रिलेशन नहीं है, लॉयर टीचर हो ही नहीं सकते, ये तो फिर गलत। सेकंड है सम डॉक्टर्स आर नॉट लॉयर्स, सम डॉक्टर आर नॉट लॉयर। हाँ, ये समझने वाली चीज है। यहाँ पे दिख रहा है कि ओनली अ फ्यू टीचर्स आर डॉक्टर। अगर आपको ये बोला जाता कि सम टीचर्स आर नॉट डॉक्टर नॉट लॉयर्स, क्या ये सही होता? बिल्कुल सही होता। जब सारे के सारे टीचर लॉयर नहीं हो सकते, तो कुछ टीचर भी लॉयर नहीं हो सकते। अब सेकंड है सम डॉक्टर्स आर नॉट लॉयर्स, तो डॉक्टर का जो पार्ट यहाँ टीचर में आ रहा है वो लॉयर नहीं हो सकता। तो इसका मतलब सम ये वाला पार्ट, सम मतलब कितना भी हो सकता है, वो बस 0 से थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, तो इतना पार्ट लॉयर नहीं हो सकता। तो ये बिल्कुल सही है, इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, और ओनली सेकेंड कंक्लूजन फॉलोज। ये हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन और ऑप्शन इसके, अ फ्यू व्हील्स आर वॉर्म। अ फ्यू व्हील्स, अ फ्यू मतलब सम, सम व्हील्स आर वॉर्म, सम का डायग्राम ऐसे बनेगा। देन ओनली व्हील्स आर वूल्स, तो मैंने कहा था ओनली को आपको हटाना है, आप ये मानकर चलो कि यहाँ ऑल चल रहा है। ऑल वूल्स आर व्हील्स, तो वूल आ जाएगा व्हील के अंदर यहाँ पर। अब इसका ये भी मतलब है कि अब इस वूल का रिलेशन और किसी के साथ नहीं हो सकता, सिर्फ व्हील्स के साथ है, ओनली का ये मतलब। अब कंक्लूजन वन, सम व्हील्स आर वूल्स, कुछ व्हील्स वूल्स है, बिल्कुल सही है। सम व्हील्स आर वूल्स, पूरा का पूरा वूल जब व्हील के अंदर आ रहा है तो कुछ व्हील्स भी वूल्स होंगे। अब सेकंड, ऑल वूल्स आर वॉर्म, नहीं बिल्कुल गलत है। जैसे पहले ही कहा है कि यहाँ ओनली लिखा हुआ था, ओनली व्हील्स आर वूल्स, तो इस वूल का रिलेशन व्हील के अलावा और किसी के साथ नहीं हो सकता। तो हमारा आंसर होगा ए, इफ ओनली कंक्लूजन वन फॉलोज। ऑप्शन ए। हमारा सेवेंथ क्वेश्चन, अ फ्यू सेल्समैन आर गर्ल, मतलब सम सेल्समैन आर गर्ल्स। सेल्समैन को अगर SM लिखूं तो कुछ ही सेल्समैन गर्ल्स है, तो गर्ल्स यहाँ आ जाएगा। ऑल गर्ल्स आर सेल्स वेमेन, तो सारी की सारी गर्ल्स सेल्स वेमेन है, तो सेल्स वेमेन को ऐसे SW से डिनोट करूं। सम सेल्स वेमेन आर हाउसवाइव्स, तो कुछ सेल्स वेमेन हाउसवाइव्स है, HW। कंक्लूजन वन, अ फ्यू सेल्स वेमेन आर सेल्समैन, कुछ सेल्स वेमेन सेल्समैन है, बिल्कुल है। सेल्स वेमेन का जो पार्ट यहाँ आ रहा है सेल्समैन में, ये कुछ वेमेन होंगी, ये कुछ सेल्स वेमेन होंगी जो सेल्समैन है, तो कंक्लूजन वन तो सही है। अब सेकंड, सम हाउसवाइव्स आर गर्ल्स, कुछ हाउसवाइव्स गर्ल्स है, हाउसवाइफ यहाँ पर है और गर्ल्स यहाँ पर है, हाउसवाइव्स और गर्ल्स के बीच में रिलेशन डिफाइन नहीं है, तो ये बिल्कुल गलत है। तो हमारा सिर्फ फर्स्ट कंक्लूजन फॉलो कर रहा है, सेकंड कंक्लूजन गलत है, क्योंकि सम हाउसवाइव्स आर गर्ल्स ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन 100% हम इसको ट्रू नहीं मार्क कर सकते हैं, तो ये हमारा गलत होगा। ऑप्शन वन सही है, मतलब ऑप्शन ए, इफ कंक्लूजन वन फॉलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये उसके ऑप्शंस। अ फ्यू ऑर्चिड्स आर पीकॉक, ऑस्ट्रिच्स आर पीकॉक।
ऑल पीकॉक आर स्वैंस, देन सम स्वॉन्स आर डक्स, डकिए आ जाएगा यहाँ पे। फर्स्ट कंक्लूजन है अ फ्यू स्वैंस आर ऑस्ट्रिचेस, अ फ्यू स्वैंस आर ऑस्ट्रिचेस बिल्कुल सही है इसका, सम स्वैंस आर ऑस्ट्रिचेस का यही मतलब है। यहाँ दिख रहा है कि ऑस्ट्रिच का कुछ पार्ट स्वैन में आ रहा है, तो ये वाले स्वैन ऑस्ट्रिचेस होंगे, पहला सही है। सम डक्स आर पिकॉक, डक यहाँ पर है और पिकॉक यहाँ पर है, दोनों के बीच में कोई रिलेशन डिफाइंड नहीं है, तो हम डेफिनेटली नहीं बोल सकते 100% ट्रू इसको, इस सेकंड कंक्लूजन को 100% ट्रू नहीं मार्क कर सकते हैं। इसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है लेकिन 100% ट्रू ये नहीं है, तो हमारा आंसर होगा ए इफ ओनली वन कंक्लूजन फॉलो। ओनली वन कंक्लूजन। अब बढ़ते आगे, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन और ये है उसके ऑप्शंस। अ फ्यू पैरट्स आर नॉट पिजन्स, कुछ पैरट्स पिजन नहीं है। अब ये सम नॉट के क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहती है। सम अगर ये पूरा का पूरा पैरट है, तो पैरट का कुछ पार्ट पिजन नहीं है, तो मैं ये मानकर चलूं अगर ये वाला वो पार्ट है जो पिजन नहीं हो सकता है। नेक्स्ट, ऑल पिजन्स आर वाइट, सारे के सारे पिजन वाइट हैं, ये वाइट इसके बाहर से आ जाएगा। नो वाइट इज ग्रीन, तो ये यहाँ पे काट दो और यहाँ पे ग्रीन, ग्रीन और वाइट में कोई रिलेशन नहीं है। ये हमारा डायग्राम तैयार है। अब फर्स्ट, नो ग्रीन इज पिजन, नो ग्रीन इज पिजन, ये बिल्कुल सही है क्योंकि पिजन पूरा व्हाइट के अंदर आ रहा है और व्हाइट और ग्रीन का कोई रिलेशन नहीं है। जब व्हाइट और ग्रीन का रिलेशन नहीं है, तो पिजन और ग्रीन का भी कोई रिलेशन नहीं होगा, तो ये बिल्कुल सही है कि नो ग्रीन इज अ पिजन। नेक्स्ट, नो पैरट इज ग्रीन, अब पैरट यहाँ पर है, ग्रीन यहाँ पर है, इन दोनों के बीच में रिलेशन डिफाइंड ही नहीं है, इनका तो पता ही नहीं है हमें कुछ भी, तो ये बिल्कुल गलत। नेक्स्ट, सम पिजन आर नॉट पैरट, सम पिजन्स आर नॉट पैरट, हाँ यहाँ पे समझने वाली जरूरत है। अगर यहाँ पे दिया होता कि सम पैरट आर नॉट पिजन, तो हम बिल्कुल सही कहते, क्योंकि पैरट का ये वाला पार्ट पिजन नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पर लिखा है सम पिजन आर नॉट पैरट। अब मान लो अगर मैं पिजन में पिजन यहाँ लिखूं, इतना ये पिजन यहाँ आ रहा है और पैरट का जो ये वाला पार्ट है वो पिजन नहीं है, तो क्या मैं इसको देखे ये बोल सकती हूँ कि सम पिजन आर नॉट पैरट, पिजन तो पूरा पूरा पैरट के अंदर आ रहा है। तो इसका आंसर ये है कि कुछ जो पिजन है वो पैरट पूरा का पूरा पैरट हो सकता है, लेकिन जो पैरट है वो पूरा पिजन नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि सम पैरट्स आर नॉट पिजन। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल दे दूं, मैं बोल रही हूँ कि ऑल पीओ आर ग्रेजुएट, इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि ऑल ग्रेजुएट्स आर पीओ, ठीक है, तो वैसे ही सारा का सारा पैरट पिजन नहीं हो सकता, क्योंकि पैरट का कुछ पार्ट है जो पिजन नहीं हो सकता है, लेकिन पिजन पूरा का पूरा पिजन पैरट में आ सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी है, तो ये हो जाएगा हमारा गलत। हमारा आंसर है नो ग्रीन इज अ पिजन, मतलब ओनली कंक्लूजन वन फॉलोज। एक बार चेक भी कर लेते हैं, ऑप्शन ए ओनली कंक्लूजन वन फॉलोज। ये हमारा 10th क्वेश्चन है, ओनली फर्स्ट डिविजनर्स आर एडमिटेड, ओनली का मैंने कहा है ओनली हम हटा देंगे, यहाँ लिखेंगे ऑल। अब हम पढ़ेंगे लास्ट से, ऑल एडमिटेड आर फर्स्ट डिविजनर्स, इसका मतलब ये एडमिटेड है, सारे के सारे एडमिटेड फर्स्ट डिविजनर्स, राम इज अ फर्स्ट डिविजनर, तो राम भी फर्स्ट डिविजनर में आ जाएगा। मैंने कहा था अगर ओनली, अब ओनली लिखा है एडमिटेड के साथ में, तो एडमिटेड का रिलेशन अब सिर्फ फर्स्ट डिविजनर के साथ होगा और किसी के साथ नहीं हो सकता। फर्स्ट कंक्लूजन राम इज एडमिटेड बिल्कुल गलत है, क्योंकि एडमिटेड का रिलेशन अब किसी और के साथ हो नहीं सकता, ओनली राम इज एडमिटेड ये भी गलत है। एडमिटेड का रिलेशन जो होगा अब सिर्फ फर्स्ट डिविजनर के साथ होगा, ओनली में बस ये एक डिफरेंस है, ओनली अ फ्यू और ओनली, तो हमारा आंसर होगा डी इफ नाइदर वन नॉर टू फॉलोज। बढ़ते आगे, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये रहे इसके ऑप्शंस।
ऑल फ्रॉक्स आर पैंट्स, सारी की सारी फ्रॉक पैंट है, ये फ्रॉक्स है, सारी की सारी फ्रॉक्स पैंट है. 100% शॉर्ट्स आर फ्रॉक, 100% का मतलब ऑल, 100% का मतलब ऑल, या ईच लिखा होगा या एवरी लिखा होगा, उन सब का मतलब होगा ऑल. ऑल शॉर्ट्स आर फ्रॉक, तो ये जो शॉर्ट्स है सारे के सारे शॉर्ट्स फ्रॉक के अंदर आ रहे हैं. सम जैकेट्स आर पैंट्स, कुछ जैकेट्स पैंट्स है. कंक्लूजन वन, ऑल पैंट्स आर शॉर्ट, सारी की सारी पैंट शॉर्ट है. नहीं, बिल्कुल गलत है, दिख रहा है कि सारी की सारी पैंट शॉर्ट नहीं है. इसकी पॉसिबिलिटी जरूर हो सकती है, लेकिन 100% ये ट्रू नहीं है, तो ये गलत. सेकंड हमारा, ऑल शॉर्ट्स बीइंग जैकेट इज अ पॉसिबिलिटी, सारे के सारे शॉर्ट्स जैकेट हो सकते हैं, क्या इसकी संभावना है? बिल्कुल है. दोनों के बीच में रिलेशन डिफाइंड नहीं है, जब रिलेशन डिफाइंड नहीं होता है तो पॉसिबिलिटी हमारी ट्रू होती है. तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, इफ ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलोज. बढ़ते हैं आगे, ये हमारा 12th क्वेश्चन और इसके ऑप्शंस. अ फ्यू बलून्स आर नॉट टॉयज, अगर ये बलून्स है, कुछ बलून्स टॉयज नहीं है, ये वाला पार्ट बलून का टॉय नहीं हो सकता, सिर्फ ये वाला पार्ट. अ फ्यू मतलब सम बलून्स आर नॉट टॉयज, बलून का कुछ ही पार्ट है जो टॉय नहीं हो सकता. सेकंड है, ऑल टॉयज आर बियर, सारे के सारे टॉय डियर है. नेक्स्ट, नो बियर इज वाइल्ड, बियर और वाइल्ड में कोई रिलेशन नहीं है. फर्स्ट कंक्लूजन, नो वाइल्ड इज टॉय, नो वाइल्ड इज टॉय क्लियरली दिख रहा है, ये बिल्कुल सही है. जो टॉय है पूरा का पूरा बियर के अंदर आ रहा है, मतलब सारे के सारे टॉय बियर होंगे. अब बियर जो पूरा है वो वाइल्ड नहीं हो सकता, तो मतलब टॉय भी वाइल्ड नहीं हो सकता, तो नो वाइल्ड इज टॉय बिल्कुल सही. सेकेंड, नो बलून इज वाइल्ड, तो बलून और वाइल्ड में रिलेशन डिफाइंड ही नहीं है, जब रिलेशन डिफाइंड नहीं है तो हम ये 100% ट्रू मार्क नहीं कर सकते. पॉसिबिलिटी हो सकती है लेकिन 100% ट्रू नहीं है, तो ये हमारा गलत हो गया. आंसर आ जाएगा ए, ओनली कंक्लूजन वन फॉलोज. एक बार चेक कर लेते हैं, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. नेक्स्ट, अ फ्यू डॉटर आर नॉट मदर, ये डॉटर्स हैं और कुछ डॉटर्स मदर्स नहीं है, मतलब ये वाला पार्ट ये मानकर चलती हूं कि ये वाला पार्ट मदर्स नहीं है. अ फ्यू का मतलब सम, तो ये आ गया मदर्स. हाँ, ऑल मदर्स आर सिस्टर, सारी की सारी मदर सिस्टर है. नो सिस्टर इज अ नीस, सिस्टर और नीस में कोई रिलेशन नहीं है, ये हमारा डायग्राम. फर्स्ट कंक्लूजन है, नो नीस इज अ मदर, नो नीस इज अ मदर, ये बिल्कुल सही है कि मदर और सिस्टर में, मदर पूरा का पूरा मदर सिस्टर में आ रहा है, सिस्टर और नीस में कोई रिलेशन नहीं है, तो मदर और नीस में भी कोई रिलेशन नहीं होगा, पहला सही है. नो डॉटर इज नीस, तो डॉटर यहाँ पर है, नीस यहाँ पर है, डॉटर और नीस में तो रिलेशन डिफाइंड ही नहीं है, हम कुछ नहीं कह सकते, तो ये बिल्कुल गलत है. सम मदर्स आर नॉट डॉटर्स, सम मदर्स आर नॉट डॉटर्स, ये भी बिल्कुल गलत है. हो सकता है कि कुछ मदर्स हो वो यहाँ आ रही हो, और बस मदर का जो ये वाला पार्ट है, जो डॉटर का ये वाला पार्ट है वो मदर ना हो, तो ये भी हम बिल्कुल ट्रू नहीं कह सकते हैं कि सम मदर्स आर नॉट डॉटर्स, ये भी गलत है. फिर हमारा है, सम नीसेस आर बोथ मदर्स एंड डॉटर, सम नीसेस आर बोथ मदर एंड डॉटर, बिल्कुल नहीं, नीसेस तो मदर हो ही नहीं सकती है, तो ये भी हमारा यही पे गलत. हमारा फर्स्ट कंक्लूजन फॉलो कर रहा है जो यहाँ पर कोई भी ऑप्शन में नहीं दिया है, तो इसका आंसर होगा ई, नन ऑफ दीज. अब हम आगे बढ़ते हैं, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये इसके ऑप्शंस. फर्स्ट, नो वेल इज शार्क, ये वेल है, तो
नो वेल और शार्क में कोई रिलेशन नहीं है, शार्क यहाँ पे लिख देते। नॉट अ सिंगल शार्क इज फिट फिश, मतलब कोई भी शार्क फिश नहीं हो सकती है, तो शार्क और फिश में भी कोई रिलेशन नहीं है। एवरी फिश आर डियर, पूरी की पूरी फिश डियर है। एवरी ईच का मतलब ऑल होता है, ऑल फिश आर डियर, तो डियर यहाँ। अब देखिए कंक्लूजन, सम डियर विच आर फिश आर वेल आर वेल एज वेल। जो फिश वो डियर है वो वेल भी है, इसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है, रिलेशन डिफाइंड नहीं है, पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन 100% ट्रू तो हमें नहीं पता है, तो हम इसे नहीं ट्रू नहीं मार्क कर सकते। और सेकंड कंक्लूजन, नो वेल इज अ फिश, कोई भी वेल फिश नहीं है। नो वेल इज अ फिश, यहाँ पर भी कोई रिलेशन नहीं है वेल और फिश में, ये भी गलत। सम डियर आर नॉट शार्क, सम डियर आर नॉट शार्क, हाँ ये हमारा बिल्कुल सही है। ये देखिए, डियर का जो पार्ट फिश में आ रहा है वो शार्क नहीं हो सकता, क्योंकि फिश और शार्क में कोई रिलेशन नहीं, तो हमारा थर्ड कंक्लूजन बिल्कुल सही है। अब फोर्थ, नो वेल इज अ डियर, नो वेल इज अ डियर, वेल और डियर में तो रिलेशन डिफाइंड ही नहीं है, तो हम इसे कैसे ट्रू कर दें, ये भी गलत। तो आंसर होगा ऑप्शन ए, ओनली थर्ड कंक्लूजन फॉलोज। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये इसके ऑप्शंस। नन ऑफ दीज आ गया, एक बार इसको प्रूव कर देते कि यही है। देखिए नो वॉच इज साइकिल, वॉच और साइकिल में कोई रिलेशन नहीं है। नो साइकिल इज मोटर बाइक, साइकिल और मोटर बाइक में भी कोई रिलेशन नहीं है। सम ऑटो आर मोटर बाइक, तो कुछ ऑटो मोटर बाइक्स हैं, यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं है, यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं। फर्स्ट कंक्लूजन, नो मोटर बाइक इज वॉच, तो मोटर बाइक बाइक और वॉच में कोई रिलेशन ही नहीं डिफाइंड है, डिफाइंड ही नहीं है, तो हम इसको ट्रू नहीं मार्क कर सकते। नो मोटर बाइक इज साइकिल, तो मोटर, हाँ ये बिल्कुल सही है, नो मोटर बाइक इज साइकिल, क्लियरली दिख रहा है कि साइकिल और मोटर बाइक में रिलेशन नहीं है, बीच में नो है, ये जो मोटर बाइक है वो साइकिल हो ही नहीं सकता, और साइकिल मोटर बाइक हो नहीं सकता, तो ये बिल्कुल सही है। सेकंड, सम साइकिल्स आर वॉचेस, साइकिल और वॉचेस में तो कोई रिलेशन नहीं है, ये भी गलत। ऑल मोटर बाइक्स आर वॉचेस, मोटर बाइक्स और वॉचेस का जो है रिलेशन डिफाइंड नहीं है, ये ट्रू हो नहीं सकता। अब देखो यहाँ पे ऑप्शन है सेकंड, सेकंड फॉलो कर रहा है, लेकिन जो हमारे पास चार ऑप्शन है इसमें तो ऐसा कुछ दिया नहीं है, तो हम नन फॉलोज नहीं करेंगे, क्योंकि सेकंड तो फॉलो कर रहा है, हम करेंगे नन ऑफ दीज। जो ये तीन ऑप्शन मेरे पास दिए, इनमें से तीनों तीनों ही सही नहीं है। सही ऑप्शन क्या है, ओनली कंक्लूजन टू फॉलोज, तो पहले ही आ गया था ऑप्शन डी, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। तो आई होप आपको सिलॉजिज्म कुछ क्लियर हुआ होगा, कुछ डाउट आपके क्लियर हुए होंगे। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर करें, थैंक यू वेरी मच। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.